देखिए, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को। मैंने आपको ये सिखाया था कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं। लिखने के हमारे पास दो तीन मेथड थे। मैथमेटिकली लिखने के लिए हमने इसको लिखा था काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, सो दैट द टोटल मैकेनिकल एनर्जी विल ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट व्हेन डिसिपेटिव फोर्सेज आर एब्सेंट। तो जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहती है। एक तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। दूसरा, मैंने आपको बताया था चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इनका जो सम होगा दैट इज ऑलवेज जीरो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी जितनी बढ़ेगी उतनी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी, या काइनेटिक एनर्जी जितनी कम होगी उतनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। तो टोटल कितना चेंज होगा? टोटल जीरो चेंज होगा मैकेनिकल एनर्जी में। या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं दैट काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीजिंग, इसके आगे प्लस मतलब कोई सिंबल नहीं है तो ये पॉजिटिव है। सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज पॉजिटिव, इट मींस दैट द काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीजिंग, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। इक्वल टू माइनस डेल्टा ई पी पोटेंशियल एनर्जी, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। द काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीजिंग एंड पोटेंशियल एनर्जी इज डिक्रीजिंग इन द सेम अमाउंट। जितनी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये तीनों चारों जो मेथड यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, ये किसको लिखने का तरीका है? मैथमेटिकल मेथड है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को बताने का। अब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के बेस पर हमने पेंडुलम की वर्किंग को समझा था, जिसमें आपने ये देखा कि टोटल एनर्जी हमेशा कॉन्स्टेंट रहती है, चाहे पेंडुलम किसी भी पोजिशन पर हो, चाहे वो मीन पोजिशन पर हो, चाहे वो एक्सट्रीम पोजिशन पर हो, टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट कंजर्व। अब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के बेस पर एक एप्लीकेशन को और समझते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन फ्री फॉल ऑफ द ऑब्जेक्ट। मैकेनिकल एनर्जी इन द फ्री फॉल ऑफ ऑब्जेक्ट, इन द फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब इसमें हम लोग ये प्रूफ करके बताते हैं कि जब फ्री फॉल होगा तो उस केस में ऑब्जेक्ट की टोटल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कॉन्स्टेंट रहेगी, सेम रहेगी। ओके, अब इसको ध्यान से समझना। सबसे पहली बात, कितना वर्क डन करना पड़ेगा किसी भी ऑब्जेक्ट को एच हाइट तक रेज करने के लिए। तो इस डायग्राम से हम लोग पूरा डिस्क्रिप्शन डिसाइड करेंगे। ये ग्राउंड है, ग्राउंड से हम किसी ऑब्जेक्ट को रेज कर रहे हैं, उठा रहे हैं ऊपर की तरफ। ये एम मास का ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने ग्राउंड से पिक करना शुरू किया। पिक करने के लिए मेरे को फोर्स लगाना पड़ेगा, फोर्स लगा करके मैं डिस्प्लेसमेंट करूंगा, और डिस्प्लेसमेंट करके ऑब्जेक्ट की ये फाइनल पोजिशन हो चुकी है। And this is the final position of the object. तो अब ये जो final position है, यहां पर इस object पर कितना work done करना पड़ा? तो इसको A से B तक ले जाने में, मतलब first initial position से final position तक ले जाने में total जो displacement है, that displacement I am showing here, this displacement is h. So I have raised this object up to the height h from the ground. इसको रेज करने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ा? वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कोस थीटा। फोर्स कितना लगाना पड़ेगा? mg। जितना ये वेट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उतना ही मेरे को फोर्स लगाना पड़ेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, और mg फोर्स को अप्लाई करना पड़ेगा। ये हमने डिस्कस किया था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में। और कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं? h cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। थीटा की जगह क्या लिखा जाएगा? थीटा की जगह लिखा जाएगा 0 डिग्री, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं और ऊपर की तरफ ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। सो बोथ आर ऑन द सेम लाइन ऑफ एक्शन एंड इन द सेम डायरेक्शन। सो द एंगल बिटवीन द टू एरोज विल बी 0। तो वर्क डन होगा mgh। तो हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन की हेल्प से ये बता सकते हैं कि मेरे को इस ऑब्जेक्ट को एच हाइट तक रेज करने में कितना वर्क करना पड़ा।
मेरे को इस पर वर्क करना पड़ा एम जी एच, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, आई हैव डन द वर्क ऑन दिस ऑब्जेक्ट। ओके, अब हम लोग अलग अलग कंडीशंस लेते हैं। इस ऑब्जेक्ट को इस एच हाइट पर रेज करके हम रिलीज कर देंगे, रिलीज करेंगे तो ये फ्री फॉल करेगा। अब हम इसकी कंडीशंस लेते हैं कुछ, सबसे पहले ए कंडीशन, दूसरा अभी तो ये किस में है, अभी तो ये रेस्ट में है, मूव नहीं कर रहा। जैसे ही इसको रिलीज करेंगे ये मूव करना स्टार्ट करेगा कुछ इनिशियल वेलोसिटी से, और ये जो इनिशियल वेलोसिटी होगी ये होगी जीरो। ऐसा मूव करते हुए बीच रास्ते में एक पोजीशन ले लेते हैं, मान लीजिए ये वो पोजीशन है जहां यहां पर ये पहुंच जाता है कुछ टी टाइम के बाद में। आफ्टर टाइम टी इट इज मूव्ड टुवर्ड्स द ग्राउंड एंड इट इज एट द पोजीशन बी, ये बी पोजीशन पे है। ए से रिलीज किया बी पर आया, फिर बी से और आगे बढ़ेगा, फिर कौन सी पोजीशन पर पहुंचेगा, सी पर, मतलब दोबारा ग्राउंड पे आ जाएगा। तो ये तीन पोजीशन में हम इसकी मैकेनिकल एनर्जी को बताते हैं। सबसे पहले जब ऑब्जेक्ट ए पोजीशन पर है तब उसके पास कितनी मैकेनिकल एनर्जी होगी, सबसे पहले ये कैलकुलेट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम कैलकुलेटिंग अबाउट द व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट ए पोजीशन, ए पोजीशन पर है जब ऑब्जेक्ट, तो उस केस में हम इसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी बताते हैं। टोटल मैकेनिकल एनर्जी फर्स्ट कंडीशन में बता रहे हैं तो इसको हम लोग ई ए से लिख देते हैं, एनर्जी एट पोजीशन ए। और कौन कौन सी एनर्जी लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए। काइनेटिक एनर्जी कितनी है ए पोजीशन पे, अभी हमने इसको यहां पर होल्ड करके रखा हुआ है, ये रेस्ट में है अभी। अगर अभी ये रेस्ट में है तो काइनेटिक एनर्जी तो जीरो होगी, क्योंकि फॉर्मूला लगेगा हाफ एम वी स्क्वायर, और v की जगह पे क्या लिख देंगे, जीरो लिख देंगे, u के प्लेस पे, इनिशियल वेलोसिटी के प्लेस पे जीरो लिख देंगे। सो द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, अगर वो रेस्ट में है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है, एम जी एच, यही तो फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी पता करने का, जिसको हमने क्या बोला था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, ए पोजिशन पर हाइट है एच, so the total energy at position A is mgh, this is the total mechanical energy at position A, A position पे total mechanical energy है ये, हमने इसको लिख दिया second equation, ये है second equation, तो इसको मैं short में लिख देता हूं, टोटल मैकेनिकल एनर्जी टी एम ई, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट ए एम जी एच। अब हम लोग यही एनर्जी फिर से कैलकुलेट करते हैं, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, लेकिन कौन सी पोजिशन पे, बी पोजिशन पे। सो हेयर आई विल राइट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट पोजिशन बी, जब ये बी पोजिशन पर होगा तो उस समय इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी, और उस वेलोसिटी को मैं लिख देता हूं वी बी से। जब ये बिल्कुल ग्राउंड को स्ट्राइक करने वाला होगा तब इसकी वेलोसिटी होगी वी सी। अच्छा, अब हमने यहां से ऑब्जेक्ट को रिलीज कर दिया, रिलीज कर दिया तो हमें पता है कि धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे ये ग्राउंड की तरफ जाएगा वैसे वैसे इसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पहले इसकी वेलोसिटी 9.8 होगी, फिर नेक्स्ट सेकंड में 19.6 हो जाएगी, फिर नेक्स्ट सेकंड में 29.4 हो जाएगी। तो इस तरह से वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है जैसे जैसे ये ग्राउंड की तरफ जा रहा है। अब हमने ऐसा माना कि बी पोजीशन पर इसकी वेलोसिटी है वी बी, ओके, तो यहां पर इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि ये मूव कर रहा है, अब इसके पास कुछ वेलोसिटी आ चुकी है, तो वेलोसिटी जीरो तो नहीं है, तो इसके पास यहां पर काइनेटिक एनर्जी भी है, और ये ग्राउंड से कुछ हाइट पर है तो इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी है। अच्छा, ये कितना नीचे की तरफ आ चुका है, जब मैंने इसको ए से रिलीज किया तो रिलीज करते ही ये एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करके बी पोजीशन पर आ जाता है, और जब ये एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करके नीचे की तरफ आ जाता है तो ग्राउंड से कितनी हाइट पर होगा, ये ग्राउंड से एच माइनस एक्स हाइट पर होगा। ये देखिए टोटल हाइट है एच, और कितना नीचे आ गया, एक्स डिस्प्लेसमेंट नीचे किया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो टोटल हाइट थी 100, 100 में से 20 नीचे आ चुका है, तो बाकी कितने डिस्टेंस पे रह गया, कितनी हाइट पे रह गया, 80 पे।
सो दिस इज एच माइनस एक्स। अब इसमें x और h माइनस एक्स क्या है उसको आप अच्छे से याद रखेंगे। x इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम a टू b, a से b तक आने में उसने x डिस्टेंस नीचे की तरफ ट्रेवल किया, और जब ये b पोजीशन पर आ चुका है तो ग्राउंड से कितनी हाइट पर है, h माइनस एक्स हाइट पर है। तो अब इस कंडीशन में हम लोग कैलकुलेट करते हैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट b, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट b, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट बी। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी को ई बी से लिखेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी, ई के बी एंड ई पी बी। तो ए पर, तो बी पर इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है हाफ एम, मास तो बदलेगा नहीं, ऑब्जेक्ट यहां पर हो यहां पर हो यहां पर हो इसका मास तो चेंज होगा नहीं, सो हाफ एम और वी स्क्वायर। वी यहां पर कितनी वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है, तो आंसर है वी बी, वेलोसिटी एट बी। तो यहां लिखेंगे वेलोसिटी एट बी और स्क्वायर, ये मैंने फॉर्मूला लगाया काइनेटिक एनर्जी का, कौन सी पोजिशन पे, बी पोजिशन पे। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है एम जी एच, एंड एच इज द हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, ये ऑब्जेक्ट ग्राउंड से कितनी हाइट पर है, तो आंसर है h माइनस एक्स, ये रही हाइट। तो ये ग्राउंड से h माइनस एक्स हाइट पर है, कौन सी पोजीशन पे, बी पोजीशन पे। तो लिखेंगे एम जी एच माइनस एक्स, दिस इज द हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, ये है पोटेंशियल एनर्जी, ये है काइनेटिक एनर्जी। अब इसमें से हमें इसको वी स्क्वायर को एलिमिनेट करना पड़ेगा। वी स्क्वायर को क्यों एलिमिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि यहां पर ऑब्जेक्ट की कितनी वेलोसिटी थी, जब ये ए से बी पर आ चुका था तो इस पोजीशन पर इसकी कितनी वेलोसिटी है ये हमें पता नहीं है, तो ये नहीं पता तो इसको हटा देते हैं यहां से। हटाने के लिए हम लोग यूज करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहां पर देखिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन क्या कहती है, थर्ड इक्वेशन होती है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। वैल्यूज पुट कर दो ए और बी पोजिशन के लिए, फाइनल स्पीड है वी बी, तो यहाँ पे लिखेंगे वी बी स्क्वायर। इनिशियल स्पीड, इनिशियल ये रेस्ट में था ए पोजीशन पे, तो इनिशियल वेलोसिटी आएगी जीरो प्लस टू, ए की जगह पे क्या लिखा जाएगा, जी लिखा जाएगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, तो यहाँ पर आ जाएगा जी। और डिस्प्लेसमेंट ये कितना नीचे आ चुका है, तो आंसर है एक्स डिस्टेंस नीचे आ चुका है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे एक्स। तो वी स्क्वायर की जगह पर क्या लिखा जा सकता है, टू जी एक्स लिखा जा सकता है। v स्क्वायर के प्लेस पर क्या लिखा जा सकता है, 2gx, तो यहाँ पे हम लोग 2gx लिख देंगे। ओके, तो एक्सेलरेशन की जगह पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और f की जगह पर x आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट देखो, ये जो ऑब्जेक्ट है वो a से b पोजीशन पर आया, a से b तक आने में उसने कितने डिस्टेंस ट्रेवल की, x डिस्टेंस नीचे की तरफ आया, x डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो vb स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, 2gx, ये प्लस में जीरो है, इस जीरो को लिखना जरूरी थोड़ी है, किसी भी नंबर के प्लस में जीरो करोगे तो वो क्वांटिटी चेंज थोड़ी होगी। सो वी बी स्क्वायर की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 2gx लिख सकते हैं। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से हमने इसको रिप्लेस कर दिया, वेलोसिटी एट बी स्क्वायर इसकी जगह पर लिख सकते हैं 2gx। तो यहां पर इसको हटाते हैं, इसकी वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा ई बी इज इक्वल टू हाफ इंटू एम, और vb स्क्वायर की जगह पर लिख सकते हैं 2gx। इसको मल्टीप्लाई करते हैं mgh, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, और mg को पहले h से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा mgh, फिर mg को x से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा माइनस mgx, 2 से 2 कैंसिल। टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट b इज इक्वल टू m इंटू g इंटू x, सो दिस इज mgx प्लस एम जी एच, और माइनस में क्या है, माइनस में है एम जी एक्स, ये एम जी एक्स से एम जी एक्स कैंसिल हो गया, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट बी कितनी आई, एम जी एच, दिस इज द थर्ड इक्वेशन। इसको यहां से यहां लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा, एम जी एच, ए से बी तक आने में इसको, अगर ये ए पोजिशन पर था ऑब्जेक्ट तो ए पोजिशन पर इसके पास टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी थी, एम जी एच, जब ये ए से बी की तरफ नीचे आ गया तब भी टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी है, एम जी एच। तो एनर्जी कंजर्व रह रही है क्या,
तो आंसर है यस। इसको इरेज कर रहा हूं मैं। अब हम लोग थर्ड पोजीशन पे फाइंड करते हैं कितनी एनर्जी है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं एट पोजीशन बी, पोजीशन बी पे हमने जो भी कैलकुलेशन कर रखी है उस कैलकुलेशन को यहां पर लिख देते हैं हम लोग। ऑब्जेक्ट इज एट पोजीशन बी, देन टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट बी पोजीशन इज एम जी एच, अभी कैलकुलेट करके बताया हमने आपको। और यहां पर है ये थर्ड इक्वेशन। अब हम लोग फाइनल केस को डिस्कस करते हैं, तीसरा। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, ऑब्जेक्ट सी पर आ चुके हैं, जैसे ही मैंने इसको यहां से रिलीज किया ये नीचे गिरा और अर्थ से सिर्फ टकराने ही वाला है, जस्ट स्ट्राइक करने से पहले का केस। ये ऐसा मान लो ग्राउंड पे आ चुके, ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा, किसी वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा, तो उस केस में इसके पास टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी होगी। अब यहां पर हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट सी, तो यहां लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी एट सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट सी, काइनेटिक एनर्जी एट सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट सी, तो ये इसका फॉर्मूला बनेगा। अब यहां पर कितनी काइनेटिक एनर्जी इसके पास, काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि सी पोजीशन पर इसकी वेलोसिटी थी vc, तो ये vc वेलोसिटी से ग्राउंड को स्ट्राइक करने वाला था। सो काइनेटिक एनर्जी एट सी, ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की जगह पे लिखेंगे हाफ एम वी स्क्वायर, और v क्या है, vc है, तो vc स्क्वायर प्लस mgh, mgh हाइट कितनी है, ये ऑब्जेक्ट ग्राउंड को स्ट्राइक करने वाला है, तो मतलब कि हाइट क्या हो चुकी है, जीरो, जहां से इसको हमने रेज किया था वापस वहीं आ चुका है। अगर वापस वहीं आ चुका है तो ग्राउंड से इसकी हाइट है जीरो, अगर ग्राउंड से इसकी हाइट जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो जाएगी। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग ई सी इज इक्वल टू हाफ एम, और वी सी स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं क्योंकि हमें यह नहीं पता कि ये कितनी वेलोसिटी से ग्राउंड को स्ट्राइक कर रहा है, तो यहां से इसको एलिमिनेट कर देते हैं vc स्क्वायर को, और mg इंटू जीरो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब vc स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, फिर से क्या यूज करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, हम ये मानेंगे कि ऑब्जेक्ट a से c पर आ रहा है, ऑब्जेक्ट a से कहां आ रहा है, सी पोजिशन पे आ रहा है, ऐसा करने के लिए उसको कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करना पड़ेगा, h डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। जब a से रिलीज किया तो नीचे गिर करके c तक आ गया, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, a से c तक h डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। सो वी विल अप्लाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन अप्लाई करेंगे, सो दिस विल बी वी सी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस टू ए एस, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी है vc, तो यहां पे लिखा जाएगा vc स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल पहले रेस्ट में था, रेस्ट से vc वेलोसिटी इसने गेन की, तो यहां आएगा जीरो, और यहां आएगा टू, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन है g, डिस्प्लेसमेंट a से c तक आने में कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा, तो आंसर है h। तो vc स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, vc स्क्वायर के प्लेस पे लिख सकते हैं 2gh, ये तो जीरो हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी 2gh, तो ये वैल्यू पुट की जा सकती है इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन के अंदर। तो यहां पर हम किसकी वैल्यू पुट करने वाले हैं, vc स्क्वायर की वैल्यू पुट करने वाले हैं, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो इसके प्लेस पे लिखेंगे 2gh, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये मल्टीप्लाई में था, ये डिवाइड में था, तो क्या बचेगा, ec इज इक्वल टू m इंटू g इंटू h, m into g into h, और इसके प्लस में जीरो है, उसको हम लिखेंगे नहीं फिर से। सो द टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पोजीशन c इज अगेन mgh, तो फिर से मैकेनिकल एनर्जी c पोजीशन पे कितनी आ रही है, mgh ही आ रही है। इसको a से b तक ले जाने में mgh वर्क डन करना पड़ा, a पोजीशन पर इसकी मैकेनिकल एनर्जी है mgh, b पोजीशन पर इसकी मैकेनिकल एनर्जी थी mgh, और C पोजीशन पर इसकी मैकेनिकल एनर्जी फिर से कितनी आ रही है, MGH। तो बताओ टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है क्या,
आंसर है यस, कंजर्व्ड है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी सेम ही रहेगी। अगर आपने इसको यहां से यहां ले जाने में 10 जूल का वर्क डन किया, ग्राउंड से यहां हाइट तक रेज करने में, तो यहां पर इसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी? 10 जूल। काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी 10 जूल की। जैसे ही आप इसको रिलीज करोगे, ये नीचे की तरफ आएगा। मान लो ये बीच की पोजीशन है, इस केस में इसके पास 5 जूल की पोटेंशियल एनर्जी होगी, 5 जूल की काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि ये ऊपर से आधा नीचे आ चुका है। पहले हाइट 100 मीटर थी, 100 मीटर से अब 50 मीटर रह गई है। तो यहां से अगर ग्राउंड से इसकी हाइट देखेंगे 50 मीटर हो गई है, तो पोटेंशियल एनर्जी हाफ हो चुकी है। तो जब ये बीच रास्ते में होगा, तो उस समय पर इसके पास 5 जूल की पोटेंशियल एनर्जी होगी, 5 जूल की काइनेटिक एनर्जी होगी। टोटल एनर्जी अभी भी कितनी रहेगी? 10। तो यहां पर टोटल एनर्जी 10 थी, यहां पर 5 + 5 टोटल अभी भी 10 थी, और लास्ट केस में पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी 10 हो जाएगी। तो जब हम इस पे 10 जूल का वर्क डन करते हैं, इसको ग्राउंड से एच हाइट तक ले जाने में, वो 10 जूल का वर्क डन इसमें पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, और जैसे ही रिलीज करते हैं, वो पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे काइनेटिक में बदलती है, लेकिन टोटल मैकेनिकल एनर्जी mgh ही रहती है, फिक्स रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है। अब हम लोग यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स लिखेंगे। स्टेटमेंट यहाँ लिखते हैं कौन कौन सी इक्वेशन के बेस पे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, चारों इक्वेशन के बेसिस पे। लास्ट केस में भी टोटल मैकेनिकल एनर्जी, आप लोग ऐसा नहीं लिखेंगे एग्जाम में, पूरा लिखेंगे टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट सी इज mgh, दिस इज द टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पोजीशन सी। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, ये सारा कंक्लूजन भी तो लिखना पड़ेगा कि सब केसेस में mgh आ रही है। यूजिंग इक्वेशन 1, 2, 3, 4 using equations 1, 2, 3 and 4. W is equal to mgh is equal to total mechanical energy at A is equal to total mechanical energy at B is equal to total mechanical energy at C. Hence, at all positions of object, at all positions of object, the total mechanical energy remains conserved. The total mechanical energy remains conserved. This is the answer of this question. ये क्वेश्चन इस तरह से आता है कि आपको बोलेगा कि एक एम मास का ऑब्जेक्ट है जिसको एच हाइट पर रेज किया जा रहा है, फिर एच हाइट पर रेज करने के बाद उसको रिलीज कर देते हैं, फिर आपको ये बताना होगा कि एट डिफरेंट पोजीशंस, एट पोजीशन ए डायग्राम आपको दे दिया जाएगा क्वेश्चन में, बोला जाएगा कि ए पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी बताओ, फिर बी पर बताओ, फिर सी पर बताओ। तो ये सारी कैलकुलेशन आपको करके बतानी है और लास्ट में आपको ये प्रूफ करके बताना है। हेंस एट ऑल पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट द टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन कंजर्व, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व ही है, कॉन्स्टेंट ही है।